अमेरिकी अखबार ने की योगी और मोदी की आलोचना। भारत ने दिया करारा जवाब। यूपी में भारी बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा ने सीएम पद के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम फाइनल किया था, जिसके बाद आदित्यनाथ योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। सीएम पद का संभालने के बाद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीएम मोदी के इस फैसले की आलोचना की है। हालांकि भारत ने भी अमेरिकी अखबार को करारा जवाब दिया है। अखबार के संपादकीय में पीएम मोदी की आलोचना किए जाने पर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इस लेख पर कहा है कि सभी संपादकीय या विचार विषय परख होते हैं, यह मामला भी ऐसा ही है। वास्तविक लोकतांत्रिक तरीकों के फैसले पर संदेह करने की समझ से सवाल उठता है। गौरतलब है कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंदू कट्टरपंथियों से मोदी का गले लगना शीर्षक से छपे लेख में कहा था कि 2014 में जब से मोदी चुने गए तब से आर्थिक प्रगति और विकास के धर्मनिरपेक्ष लक्ष्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। वे अपनी पार्टी के कट्टरवादी हिंदू आधार को भी खुश करते रहे हैं। यही नहीं, अखबार में लिखे संपादकीय में कहा गया था कि पीएम मोदी की पार्टी भाजपा द्वारा फायरब्रांड हिंदू सन्यासी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने से धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के लिए चौंकाने वाला फैसला है।